माननीय मुख्यमंत्री जी को न्यायालय से जमानत मिला है, फिर आप कहाँ चले गए? माननीय मुख्यमंत्री जी को न्यायालय से जमानत मिला है, वो बरी नहीं हुए हैं, उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात ये जितने गंभीर मुद्दे हैं, विनोद कुमार सिंह राज्य स्तर का और विभागीय मंत्री जी अभी नए मैंने की बहुत जानकारी हो सकता है उनको नहीं हो, ये आदित्य रंजन जी की चिट्ठी है, डायरेक्टर हैं जो अभी काफी चर्चित हुई हैं, उनका एक वीडियो बहुत वायरल है, उनका है कि नहीं पता नहीं, आदित्य रंजन उनका चिट्ठी बहुत, एक ऑडियो बहुत वायरल वीडियो चल रहा है, वो तो सरकार का पार्ट है, सारे शिक्षक उसके लिए उनसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनकी चिट्ठी है 2/7/2024 की, पत्रांक है QU 40/6/2023 से 23/54। इसमें साफ स्पष्ट है कि जामताड़ा का मामला, आप ही के जिले का मामला है, जो कर का निर्धारण ही नहीं हुआ, इन लोगों ने कहा है कि भाई हम जिला तक भिजवा देंगे, जिला से स्कूल जाने के लिए कर का निर्धारण नहीं किया, जो वहां से स्कूल चिट्ठी ले मैंने किताब वहां तक जाएगा स्कूल तक का, उसका कर निर्धारण नहीं हुआ है। आप फेंका फेंकी के लिए तो बहुत कुछ फेंका फेंकी होता है, 5 साल में तो साइकिल आपने दिया नहीं, कितने सारे स्टूडेंट पार कर गया, लास्ट समय में एक हरियर साइकिल आपने जरूर दिया, उसमें भी जंग लगा हुआ और उसमें भी एक नया कंपनी लेके आए, क्या एक नाम था कि नया कंपनी ही, मैंने 5 साल तक सरकार ने साइकिल इसलिए नहीं दी छात्रों को क्योंकि साइकिल का कारखाना लगा रही थी सरकार, और कई एक छात्र पार कर गए, जो शिक्षा विभाग का काम है वो तो समझ ही रहे हैं क्या है, पुस्तक भी नहीं दे रहे हैं, 3 महीना में आप कह रहे हैं कि जिले तक हम लोगों ने पहुंचा दिया किताब, लेकिन 3 महीना में जिला से स्कूल तक नहीं पहुंचा है, और अब जो है उसका सेशन खत्म होने के लिए जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने करके दिया है, ना शिक्षा पे ध्यान है, ना यहाँ के शिक्षकों पे ध्यान है, इस सरकार का पूरा जो आज कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठा हुआ है, आज सहायक पुलिस कर्मी से लगे मान्य नेता प्रतिपक्ष, भाषण का नहीं है, भाषण महोदय जो क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन में महोदय एक एक जो विषय आपने अभी प्रदीप जी से सुना और सुदीप जी से सुना, मेरे को भी उस विषय का बात को रखने दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को न्यायालय से जमानत मिला है, फिर आप कहाँ चले गए? माननीय मुख्यमंत्री जी को न्यायालय से जमानत मिला है, वो बरी नहीं हुए हैं, उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात ये जितने गंभीर मुद्दे हैं, विनोद कुमार सिंह जी अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न विनोद कुमार सिंह जी पूछिए, मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न जो है, देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं की नियुक्तियों से संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, और विनोद कुमार सिंह जी पूछिए, मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री से, और ये स्पष्ट हमारा पूछना है, यार ऐसा कहीं होता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूरक प्रश्न पूछने का नियम है, हमने पूरक प्रश्न पूछने नीलकंठ बाबू को कायक दिया, सीपी बाबू को दिया, फिर लीडर अपोजिशन को दिया, फिर कहां से कहां आ गए, पूछिए अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2022 के जिस आलोक का दे रहे हैं यूजीसी में, वो यूजीसी ने यही कहा है अध्यक्ष महोदय कि 2022 के बाद रेगुलर कोर्स भी लोग कोई कर सकते हैं एक साथ दो, सवाल है कि 2022 से पहले जो लोग किए हुए हैं, मैं 2006 का गाइडलाइन सिखाता हूँ अध्यक्ष महोदय यूजीसी का, जो स्पष्ट कह रहा है कि भाई एक नियमित और एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, यूजीसी ने अलग से उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जवाब सुन लीजिए मंत्री जी, उनको जवाब दीजिए, और चूंकि सदन व्यवस्थित नहीं है, सदन पूर्ण रूपेण अव्यवस्थित है, आप दो टूक जवाब दे दीजिए, बहुत डिटेल से इसमें दिया गया है, 2022 का जो पत्र आया है उसके आलोक में इसमें कार्रवाई की गई है, और दोहरा जो है इसमें कोर्स पूरा करने का इसमें रोक लगाया गया है, उसकी मान्यता नहीं दी गई है यूजीसी के। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया आप लोग आसन पर जाए, माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष आप लोग आसन पर जाए,
सभा की कार्यवाही 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।